हेलो गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स न्यूज़ एट अ ग्लैंस दिसंबर मॉड्यूल नंबर 3। आज का हमारा काम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज 15th, 14th और 16th क्या क्या हुआ ये डे के ऊपर। 15 दिसंबर वॉज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल टी डे। ये 2005 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मोस्टली जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, केनिया, युगांडा, तंजानिया, मलावी एंड मलेशिया, ठीक है। तो ये सारे देशों में 2005 से सेलिब्रेट होता रहा है और न्यू दिल्ली ने ही सबसे पहले ट्रेडिशन स्टार्ट किया था इंटरनेशनली इन 2005 एंड फॉलोड बाय श्रीलंका इन 2006 एंड 2008, ठीक है। ये काफ़ी सारे ट्रेड यूनियंस मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। बेसिकली देयर मेन एम इज टू ड्रॉ गवर्नमेंट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल टू द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड टी ट्रेडर्स ऑन वर्कर्स एंड ग्रोवर्स, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल मूव किया था FAO के ऊपर, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड फाइनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज एक्सेप्टेड इंडियाज प्रपोजल और उनको डेजिग्नेट किया गया है 21 मई एज इंटरनेशनल टी डे। मे का महीना क्यों सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि द क्वालिटी टी मैन्युफैक्चरिंग सीजन इज इन मोस्ट ऑफ द टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इज मे, इसीलिए 21 मई वॉज सिलेक्टेड एज दिस पर्टिकुलर डेट। तो याद रखना इंडिया ऑब्जर्व करता है उसको दिसंबर में और इंटरनेशनली UNGA के द्वारा पारित की गई डेट है 21 मई, ओके। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व ऑन 14th दिसंबर, ये सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। सेलिब्रेशन 1991 से स्टार्ट है एंड एनर्जी कंजर्वेशन वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 9 to 14 दिसंबर, ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, ठीक है। काफ़ी सारे जो ये पूरे वीक के दौरान काफ़ी सारे इंडिया के जो अचीवमेंट्स हैं टू सेव एंड कंजर्व एनर्जी वो हाईलाइट किए जाते हैं और अवार्ड भी दिए जाते हैं अक्रॉस 56 सब सेक्टर्स, ठीक है। विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 16th दिसंबर टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर, ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड एंड इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन द सेम डे 16th दिसंबर, ओके। ऑल द थ्री चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वर प्रेजेंट एट द वॉर मेमोरियल इन दिल्ली अलॉन्ग विथ अवर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो 16 दिसंबर पे पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था। इंडिया और पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे के साथ सबसे पहली बार भिड़े थे ऑन 3rd December 1971 एंड 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया था। तो 13 डेज ये वॉर चला था। अब ये तो एक कॉमन फैक्ट हो जाता है और ये न्यूज इतनी बड़ी भी नहीं होती, लेकिन कौन सी न्यूज इसको बड़ी बना देती है, आसाम का रजिस्टर, ठीक है, कि क्यों 24th March 1971 वॉज सिलेक्टेड एज द कट ऑफ डेट, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज द डेट ऑफ NRC ऑफ आसाम एज 24th मार्च, क्यों, बिकॉज ऑफिशियली द वॉर स्टार्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट व्हेन पाकिस्तानी आर्मी ओपन फायर्ड इन रंगपुर, चिटगोंग एंड सीतपुर, किलिंग मोर देन 1000 पीपल एंड इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट स्टार्टेड, ठीक है। अमॉन्ग दिस इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इन टू आसाम एंड अदर नियर बाई स्टेट इंक्रीज, तो इसीलिए 24th of March वॉज सिलेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर डे, ठीक है। दिस इज वाई द डेट ऑफ NCR इज केप्ट एट 24th March 1971। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन न्यूज, सबसे पहले सुनील शेट्टी वॉज अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। द एजेंसी बेसिकली जो स्पोर्ट्स में डोपिंग का मिनेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए, सेलिब्रिटी स्टेटस तक पहुंचाने के लिए ये बेसिकली स्टेप लिया गया था। तो नाडा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एंटी डोपिंग एजेंसी विट मॉनिटर स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स, ठीक है। इट वॉज फ्रॉम अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। Various scientists and IOA representatives are on its board. It controls, monitors and coordinates the anti-doping program in sports and it deals with adoption and implementation of anti-doping in confirmation with WADA, World Anti-Doping Agency, जिसने यही साल में earlier NADA को suspend किया था, ठीक है, ये रहा ये point। और अब उसकी वजह से सस्पेंशन का असर क्या आएगा कि इंडिया के सारे एथलीट्स के सैंपल जो है वो दूसरे कंट्रीज में भेजे जाएंगे। अब इंडिया को प्रायोरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो सैंपल के टेस्टिंग में, वी डोंट नो। सो वी एक्चुअली आर नॉट नोइंग कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए हाउ मेनी ऑफ आवर एथलीट्स विल बी एबल टू एक्चुअली क्वालिफाई।
पीपर हैंडके रिसीव नोबल लिटरेचर प्राइज, ये हम ऑलरेडी अक्टूबर मॉड्यूल में हम कवर कर चुके थे। पीटर हैंडके को 2019 के लिए ये नोबल प्राइज मिला है और 2018 में ओल्गा टोकाक्रूज को ये नोबल प्राइज मिला था, ठीक है, ऑन लिटरेचर 2018 में। लेकिन एक बेसिकली सेक्शुअल असॉल्ट स्कैंडल की वजह से ये प्राइज गिव अवे नहीं हो पाया था। तो 2019 में दो प्राइज दिए गए नोबल प्राइज इन लिटरेचर, वन ऑफ 2018 गिवन टू ओल्गा टोकाक्रूज एंड द सेकंड फॉर 2019 गिवन टू पीटर हैंडके। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीटर हैंडके के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वॉज बॉर्न इन 1942 इन सदर्न ऑस्ट्रियन विलेज कॉल्ड ग्रिफिन एंड ही इज अ ट्रांसलेटर, नॉवेलिस्ट एंड अ प्ले राइटर। ओके, विकास स्वरूप अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट एमईए, बेसिकली यूरोप और यूनाइटेड किंगडम्स के सारे अफेयर्स ये भाई साहब अब देखेंगे इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इट वॉज अप्रूव्ड बाई अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC। ही इज अ 1986 बैच IFS ऑफिसर इंडियन फॉरन सर्विसेज एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज अफेयर विद यूनाइटेड किंगडम्स एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। इनके बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिया गया है कि ही वॉज इन चार्ज एज सेक्रेटरी टिल नवंबर इन कैनेडा एंड विकास स्वरूप वॉज ऑल्सो सर्वड इन एक्सटर्नल पब्लिक पब्लिसिटी डिवीजन। ही इज ऑल्सो वेल नोन ऑथर and he was the spokesperson of MEA from April 2015 to February 2017. Okay, Greta Thunberg bestowed with Times Person of the Year. Theek hai, she has been in limelight for influential and aggressive speeches basically related to climate change and environmental protection. Theek hai, and she earlier this year also gave a speech at United Nations Climate Action Summit. Okay, basically work is the movement which she has initiated on climate change. ठीक है, ग्रेटा इन मोस्ट ऑफ अ स्पीचेस डिमांडेड एक्शन एंड शी गिव मोरल कॉल्स टू दोज अथॉरिटीज इन पोजिशन टू वर्क एंड एक्सप्रेस हर आउटरीच एट दोज हु आर नॉट रेडी फॉर इट, इनडायरेक्टली गिविंग अ टॉन टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड समवॉट बैकग्राउंड अबाउट हर। शी इज अ स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, शी इज 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, हर कैंपेनिंग मूवमेंट इज फ्राइडेज फॉर फ्यूचर which has prompted many millions of people across 150 countries to act on behalf of the planet. Okay, Tony Ann crowned Miss World 2019. So Jamaica's resident Tony Ann Singh was crowned Miss World 2019 and her main other contenders were Offaly Mazzino from France and Suman Rao from इंडिया। ठीक है, 2018 में मेक्सिको से बिलोंग करते थे मिस वर्ल्ड, उन्होंने उसको क्राउन पास किया। ठीक है, ऑफली मिजिनो वॉज एडजिटेड द फर्स्ट रनर अप एंड इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सुमन राव एंड शी वॉज डिक्लेयर्ड सेकेंड रनर अप इन द सेम ब्यूटी पीजेंट। ठीक है, सुमन राव हेल्स फ्रॉम राजस्थान एंड अलियर हैज वोन मिस फेमिना इंडिया 2019। ओके, इंडिया वोन द लास्ट मिस वर्ल्ड टाइटल इन 2017 अंदर मनुषी चिल्लर हु रिप्रेजेंटेड द कंट्री। ओके, अबाउट टोनी एन थोड़ी बहुत यहाँ पर डिटेल दी गई है, बेसिकली जो याद रखने लायक है, शी इज 23 ईयर्स ऑफ ओल्ड, बॉर्न टू इंडो कैरेबियन फादर एंड अफ्रीकन कैरेबियन मदर, शी हेल्स फ्रॉम जमैका। ओके, एंड शी वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कैरेबियन स्टूडेंट एसोसिएशन एट द यूनिवर्सिटी। ओके, एंड शी इज द फोर्थ जमैकन टू विन दिस कॉन्टेस्ट, अर्लियर इट वॉज इन 1963, 1976 एंड 1993. Angela Merkel bags the first spot on 2019 Forbes list of world most powerful women. ठीक है, she is basically hailed for standing up to the United President Donald Trump and allowing millions of Syrian refugees into Germany. ठीक है, हमारे मतलब की बात यहां पर देख लेते हैं, who is second, third, fourth, fifth. ठीक है, Angela Merkel was followed by Christine Lagarde, who is the president of ECB, European Central Bank, as you know, and earlier has served as a MD of IMF. Nancy Pelosi, Speaker of US House of Representatives, who is responsible for the recent impeachment of Donald Trump, who has passed the first test in US House of Representatives. Okay? Now the Senate will have to approve it and after that he'll be standing impeached. Okay? Student number 3 as the highest ranking and most powerful female elected official in American political history. Ursula von der Leyen, President of European Commission, stood at number 4. Mary Barra, CEO of General Motors, stood at number 5. ठीक है? Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman was placed at 34th spot, followed by Queen Elizabeth 11. This should be like this. I'm sorry for that. And at 40th spot, whereas Ivanka Trump, the First Lady of United States of America, stood at 42nd spot. ठीक है? The Swedish teenager environmentalist Greta Thunberg, who has recently won the Times Award, जो हमने पहले इश्यू में देखा, she stood at 100th spot. Okay? Air Marshal Chaudhary will be the new head of
नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है. ही इज बेसिकली एन एलिमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑल्सो. ही हैज सर्व्ड इन फाइटर स्ट्रीम ऑफ एयर इंडियन फोर्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम डिसम्बर 22nd 1983, ठीक है. दिस आर सम ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स, हिज अचीवमेंट्स. हु हैज ऑल्सो सर्व्ड इन कोबरा ग्रुप विच इज एन वेरी एलाइट एज फार एज एयरफोर्स गोज. एनडीसी इज द प्राइम इंस्टीट्यूशन अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एनडीसी इज अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इट इज अ स्ट्रेटेजिक एजुकेशन कंट्री विच एनुअल कोर्सेज ऑफ 47 वीक ड्यूरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ठीक है. इट इज इट हैज अ प्रेजेंट एलिमेंट स्ट्रेंथ अबाउट 400 इंक्लूडिंग 4 हेड्स ऑफ द स्टेट. ओके, साइरस मिस्त्री रिस्टोर्ड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स. तो 2016 में जो उसका पूरा आउट्स हुआ था टाटा सन्स में से, उसको एनकलेट ने एक तरह से इलीगल बताया है. और टाटा सन्स बोर्ड को ये चांस दिया है कि अगर 4 हफ्ते में आप हायर कोर्ट में जाते हो तो द रीअपॉइंटमेंट कैन बी स्टॉल्ड, अदरवाइज आफ्टर 4 वीक्स साइरस मिस्त्री विल टेक ओवर एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स. एस मंदना इन आईसीसी ODI and T20 team of the year. So Indian she is an Indian opener who has been named in both ICC's council ODI and T20 team of the year, and she was followed by Julan Goswami, Poona Yadav and Shikha Pandey for ODI team, and all-rounder Deepti Sharma in T20 sides. These are some of her records. So currently ICC ke CEO Manu Shaini, headquarters is in Dubai, UAE. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना. इंडियन कल्चर वेब पोर्टल, ठीक है. द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह लॉन्च द इंडियन कल्चर वेब पोर्टल ऑन 11 December 2019. इट इज डेवलप्ड बाय अ टीम फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड इग्नू, ठीक है. तो ये एक लौता ऐसा प्रोग्राम है और पहला ऐसा गवर्नमेंट ऑथराइज पोर्टल है जिसके ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स, म्यूजियम के अंदर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, A to Z चीजें ये पोर्टल पे आपको अवेलेबल होंगी. 2 लैंग्वेज में भी ये पोर्टल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. 1 is Hindi and 1 is English. इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज डिजिटल इंडिया कैंपेन, ठीक है. इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन 90 लाख आइटम्स आर करंटली अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल विच इज बाउंड टू इंक्रीज बाई लीप्स एंड बाउंड. ओके, यूनेस्को टू ट्रेन 4,000 इंडियन टीचर्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है. बेसिकली सो दैट डिजिटल इंडिया के तहत आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज का करिकुलम के अंदर समावेश हो सके, ठीक है. इट विल बी कैरिड आउट इन 3 फेजेस. पहले फेज में टीचर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका विल बी ट्रेन इन टेक्नोलॉजीज लाइक फ्रेम स्पेस, ICT एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज. फ्रेम स्पेस बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट विल हेल्प टीचर इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स. प्रेफरेंसेज ये प्रोग्राम के अंदर उन टीचरों को दिया जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी डेल के आरंभ प्रोग्राम से सर्टिफिकेशन पाया है. सेकेंड फेज के अंदर फेमिलियराइजेशन इन फेस टू फेस इंटरेक्शन के ऊपर जोर दिया जाएगा. एंड फाइनल फेज के अंदर टीचर को 12 महीने की मतलब 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर एनरोल किया जाएगा, ठीक है. ये जो प्रोग्राम है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4.7 को फुलफिल करने की केपेबिलिटी रखता है, ठीक है. टू प्रोवाइड 100% फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन टू द स्टूडेंट्स. ओके, NHAI, National Highway Authority of India, authorized by the Union Cabinet to set up Infrastructure Trust named INVIT, Infrastructure Trust, ठीक है. तो ये जो ट्रस्ट NHAI establish करेगा वो मार्केट रेगुलेटर SEBI के तहत जो बनाए गए रूल्स हैं उसके ऊपर काम करेगा. इट विल बी सेटेड अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड SEBI रेगुलेशन 2014. ऑब्जेक्टिव क्या है ये ट्रस्ट का? टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज डिफाइंड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट में होल्ड एसेट्स डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली एसेट होल्ड कर सकता है और थ्रू SPV, ठीक है. ये इन्वेस्टर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए है विद जो इन्वेस्टर्स अप्रॉक्सिमेटली 20-30 ईयर्स के सस्टेनेबल एंड स्टेबल रिटर्न के अंदर इंटरेस्टेड है उनके लिए, ठीक है. डोमेस्टिक सेविंग, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये सारे लोग इन्विट में अपना पैसा लगा सकते हैं, ठीक है. एंड इसका बेनिफिट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दिस आर फैक्टर्स, यू कैन रीड इट आउट. FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट IT कंपनी NESCOM हैज पार्टनर टू डेवलप एन ऐप टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज. तो MOU साइन किया गया दोनों के तहत जिसके अंदर फूड का वेस्टेज को प्रिवेंट करना और फूड डोनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फूड के डोनेशन को एनकरेज करना
लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है। कंबाइंड फोर्स FSSAI एंड NASSCOM विल कंबाइन देयर फोर्सेस टू डेवलप अ 24/7 हेल्पलाइन नंबर एंड ऑल्सो एन एप्लीकेशन नेम फूड डोनेशन इन इंडिया। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? फूड डोनेशन इन इंडिया। होटल्स कैन ऑल्सो रजिस्टर themselves टू डोनेट द फूड एंड करेंटली 81 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर सिलेक्टेड को जो ये इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस है उसका पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करें एंड गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस पर्पज। ओके, दिस कोलाब्रेशन विल हेल्प इन गेटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर ड्यू रिकॉग्निशन एंड टू गेट फूड टू द नीडी एंड प्रिवेंट फूड वेस्टेजेस ऑल टूगेदर। ठीक है, ईजी एक्सेसिबिलिटी होगी टू केटरर्स, हॉस्टेलियर्स, फूड बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू फैसिलिटेट फूड डोनेशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया एक्सपांड दिस डेफिनेशन ऑफ इंडो पैसिफिक। सो सबसे पहले जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में पूरा एरिया था उसको हम इंडो पैसिफिक बुलाते थे, लेकिन अब वी विल कॉल एवरीथिंग फ्रॉम द अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एज इंडो पैसिफिक रीजन। दैट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय सुब्रमण्यम जयशंकर, द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर, हु ऑफिशियली अनाउंस दिस। ठीक है, तो ऑलरेडी यूएस का तो जो कंस्ट्रक्ट है इंडो पैसिफिक रीजन का वो यही है, बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इट रेंजेस फ्रॉम शोर्स ऑफ अफ्रीका टू वेस्टर्न शोर्स ऑफ द यूएस एंड दिस वॉज डन बाई यूएस टू लिमिट द चाइनाज मिलिट्री एक्सपांशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प अस टू बेसिकली इम्प्लीमेंट अवर पॉलिसी मच बेटर ऑफ एक्ट ईस्ट। ठीक है, 2020 क्रिस्टल अवार्ड्स अनाउंस बाई WEF। तो याद रखना ये क्रिस्टल अवार्ड ना अवार्ड का नाम है एंड इट इज डन बाई WEF। ठीक है, दे आर गिवन फॉर लीडरशिप क्वालिटीज एंड सस्टेनेबल चेंज इन बाय क्रिएट दैट इज क्रिएटेड बाय इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, चाइनाज मीडियाज पर्सनैलिटी जिन जियांग इज बीइंग अवार्डेड फॉर हर लीडरशिप इन शेपिंग इंक्लूसिव कल्चरल नॉर्म्स। शिकागो बेस्ड आर्टिस्ट थेस्टर गेट्स इज रिकॉग्नाइज फॉर हिज लीडरशिप इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल कम्युनिटीज। लिंटी वॉलवर्थ द ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट हैज वॉन द अवार्ड फॉर लीडरशिप इन क्रिएटिंग inclusive narratives and from India Deepika Padukone the Indian actress was awarded for raising mental health awareness campaign and programs and she is the only Indian artist who have won this award so far. Koi bhi Indian artist ko award nahi mila, she is the first. So this makes it important. Okay, the award will be presented at Davos, Switzerland. Theek hai, on 24 between 21st to 24th January. Theme is stakeholders for a cohesive and sustainable world. Okay, coming to the next issue, BEE organized international workshop on energy efficient cooling. तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया ने इसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े स्टेप लिए, जैसे पूरा अपना रेटिंग सिस्टम को रिवाइज करना, पहले जो 5-star था अब ये 3-star ही रहा है। ठीक है, तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग द मैन्युफैक्चरर्स टू डू द सेम। ठीक है, it is a 2-day international workshop and was organized as a part of energy conservation week which is celebrated from 9 to 14 December. इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, BEE Bureau of Energy Efficiency, if you remember, which is under the Ministry of Power. Basically, it was celebrated to chart a roadmap towards faster development and deployment of efficient cooling appliances, equipment and systems so they consume less power and will be less climate intolerant because they release GHGs also in various forms. जो coolant उनके अंदर use होते हैं उनके द्वारा, ठीक है? It was attended by various policymakers and delegates from around the world. We have already seen it. 6th Indian Dialogue 11 hosted by MEA in New Delhi. So, 6th Indian Ocean Dialogue, okay? And Dialogue 11, these two different dialogues are. These Pravas Bharati Kendra New Delhi pe hosted kiye gaye the India ke dwara. And ye pehli baar aisa hua hai ki ye two dialogues, which are key elements of Indian Ocean Rim Association and Indian Asian calendars, were holded together consequently. And on similar Indo-Pacific theme. तो ये theme की dialogue, इस बार की dialogue क्या थी? Is Indo-Pacific reimagine the Indian Ocean through an expanded geography. And it was organized in collaboration with the Indian Council for World Affairs, ICWA. ठीक है? The theme for Delhi Dialogue 2019 was Advancing Partnership in Indo-Pacific Region. Okay? So, तीनों तीन theme का नाम याद रखना. Okay? Disha 2019 approved by आंध्र प्रदेश कैबिनेट। आंध्र प्रदेश कैबिनेट क्लियर दिशा बिल ऑन 11 दिसंबर। ये बेसिकली बिल क्या है? ये जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम के होते हैं, स्पेशली द गर्ल जेंडर, उसके ऊपर हार्शर पनिशमेंट इंपोज करने के लिए और जुडिशरी में कम से कम टाइम लगे उसके लिए ये बिल को उन्होंने लाया था एंड नाउ इट स्टैंड्स अप्रूव्ड। इट वाज कीप पास विद कीपिंग इन माइंड टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट क्राइम। पोस्को के भी काफी सारे रेगुलेशंस इसके अंदर आएंगे और
न्यू स्पेशल कोर्ट्स भी सेटअप की जाएंगी ये सेम पर्पस के अंदर और सेम बिल के तहत, जिनको अपना जजमेंट देना है 21 डेज में। पहले ये समय 4 महीने का था, अब 21 डेज में उनको अपना जजमेंट प्रोनाउंस करना है और स्पेशल अटेंशन देना है रेप केस और एसिड अटैक्स के केसेस के ऊपर। ठीक है, सारे गिल्टी को ट्राई किया जाएगा अंदर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। सारे क्राइम की पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रंस विल बी इम्प्रिजेंट विथ 10 to 14 years, 10 बीइंग द मिनिमम लिमिट, 14 बीइंग द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, ये एक्ट का एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट था कि इट ऑल्सो इंक्लूड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी वन अपलोडिंग क्वेश्चनेबल और डीजनरेटिंग पोस्ट अगेंस्ट वुमन ऑन सोशल मीडिया। ओके, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स अगर कोई ऐसा पाए जाएंगे तो उनको 2 साल की सजा है, एंड सेकेंड टाइम ऑफेंडर्स विल बी पनिश विद 4 years ऑफ जेल टर्म, एंड डेथ सेंटेंस इज प्रपोज फॉर हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमन। ये सेंटर के लॉ के बिल्कुल ठीक से बैठ जाता है। ठीक है, प्रेजेंटली द गिवन टाइम टू लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज टू सॉल्व द केस इज ऑफ 4 months। न्यू एक्ट ने ये 21 दिन में कर दिया है और सारे क्राइम की पनिशमेंट ऑलरेडी जो पहले 3 से 5 साल की थी अब वो 10 साल की कर दी गई है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। पार्लियामेंट अप्रूव्स IFSC अथॉरिटी बिल 2019, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इट इज टू रेगुलेट बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। एज पर द बिल इट विल कंसिस्ट ऑफ 9 members अलॉन्ग विथ अ चेयरपर्सन। 9 में से 2 members जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, 1 SEBI में से, 1 RBI में से, 1 IRDA में से और 1 पेंशन फंड में से आएंगे। ठीक है, एंड इट इज अ कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी विथ नो गवर्नमेंट कंट्रोल व्हाटसोएवर, सो दैट द डिसीजंस आर इम्पार्शियल। ओके, एंड दे विल प्रोवाइड विथ अ रिपोर्ट एवरी ईयर, एंड द कमिटी विल कंसिस्ट एटलीस्ट 2 members ऑफ द अथॉरिटी बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट। ओके, द अथॉरिटी विल रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इनका काम क्या होगा, रेगुलेट करना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज, डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, जो पहले सेबी, आरबीआई और आईएफसी मिलकर करते थे अब ये उनको पास ऑन कर दिया गया है। ठीक है, लाहौर वाघा शटल ट्रेन सर्विस रिस्टार्टेड आफ्टर 20 years। सो बेसिकली 22 साल के बाद वाघा और लाहौर पे जो ट्रेन सर्विस है वो रिस्टोर कर दी गई है। 1947 से 1997 तक ऑलरेडी एक्टिव थी, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस उसको सस्पेंड कर दिया गया था, वो वापस खोल दी गई है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान साइड में, हमें इतने ज़्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका देख लेते हैं। विजिटर्स के लिए बनाया गया जिसको विजिट करना है, जालो पार्क वाइल्ड लाइफ पार्क इन लाहौर, और विटनेस द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एंड लोअरिंग सेरेमनी एट वाघा बॉर्डर। फेयर है इसका 30 पाकिस्तानी रुपी। थर्ड एडिशन ऑफ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन चंडीगढ़ एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय पंजाब गवर्नर एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेटर श्री वीपी बदनौर। ठीक है, ये लीड किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने। ठीक है, सो बेसिकली ये किस डे को सेलिब्रेट करता है या फिर ये सेलिब्रेशन फेस्टिवल का मेन मकसद क्या है, तो पंजाब, इफ यू आर नोइंग योर हिस्ट्री समवॉट ऑल्सो, यू नो इट हैज ऑलवेज बीन द फ्रंटियर फॉर फॉरेन इन्वेजन। सो वहां पर जो लोग सेटल हैं, यू कैन इमेजिन देयर प्लाइट, द वे टू इंडिया इज वॉज थ्रू पंजाब और वहां पर काफी सारे इन्वेजन्स हुए थे। सो उस इन्वेजन्स में जो मासूम लोगों की जान की, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये स्पेसिफिकली किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस टू बी लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। सो बेंगलुरु इज सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये अनाउंसमेंट हुई थी एट अ 3-day डिजाइन वीक इन कोची, विच वॉज किक्ड ऑफ एट बोलगाटी आइलैंड इन केरला। ठीक है, इट द इवेंट एंडेड ऑन 14th December। प्रोजेक्ट का बेसिकली एम क्या है कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको सस्टेनेबल कैसे बनाना और सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करना। ठीक है, सो ये 5 साल का पूरा प्रोग्राम है जो बेंगलोर सिटी को पहले सिलेक्ट किया गया टू कनेक्ट इट्स सिटीजन बेटरली विद द सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2020, नाउ इट वाज डिसाइडेड दैट इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2020। थीम है उसका जियो साइंसेज द बेसिक साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 जियो साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस पर्टिकुलर इवेंट। The 36 ICG is expected to provide a platform international cooperation in all major fields of geosciences. ठीक है, and Geological Survey of India is the nodal agency for organizing the ICG 2020. ये please याद रखना, event will be completely funded by Ministry of Mines, the Ministry of Earth Sciences, Indian Institute of Science Academy along with National Science Academies of Nepal, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan. तो ये joint event इन सबसे fund लेके होगा।
दिस इज द सेकेंड टाइम इंडिया इज होस्टिंग सच इवेंट. पहली बार वो होस्ट किया था 1964 में, विच वॉज अ 22nd ICG. सो ICG इंडिया में आ रही है 56 सालों के बाद. जब पहली बार ये इवेंट हुआ था तब उसको इनोग्रेट किया था लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने. ठीक है, ये याद रखना. गुजरात बिकम 7th स्टेट टू रिसीव द प्रेसिडेंशियल कलर्स. बेसिकली अवर वाइस प्रेसिडेंट वेंकट नायडू ने एक सेरेमनी की थी काकरी पुलिस एकेडमी इन गांधीनगर ऑन 15 December 2019 एंड प्रेजेंटेड द गुजरात पुलिस विथ द प्रेसिडेंट्स कलर. बेसिकली इट्स अ फ्लैग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द निशान. ठीक है, इट इज एन एम्बलम विच ऑल पुलिस ऑफिसर्स विल वेयर ऑन लेफ्ट हैंड ऑफ द स्लीव ऑफ देयर यूनिफॉर्म. ठीक है, इट इज इन रिकॉग्निशन विद द टायरलेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग मेरिटियस सर्विसेज गैलेंट्री एंड डेडिकेशन ऑफ द गुजरात पुलिस विच वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 May 1960 बिकॉज ऑन दिस डे इट वॉज सेपरेटेड एंड टू न्यू स्टेट्स केम इन टू एक्जिस्टेंस. वन वॉज महाराष्ट्र एंड वन वॉज गुजरात. सो 59 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड को देख के उनको ये प्रेसिडेंट्स कलर दिए गए हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है 1.06 लाख है. ठीक है, इन 2019 ये अप्रूवल प्रेसिडेंट ने दिया था. ठीक है, CII organizes stealing in India. Now basically what is stealing in India? To boost the production of steel in India under its Make in India program. क्योंकि steel काफी सारी अलग अलग चीजों में use होता है, automobiles में use होता है, many industries use steel. It's as basically used as a raw material also you can say of a sort. ठीक है, so उसका production boost करने के लिए CII ने organize किया था and the name was stealing in India. To intensify the metal industry in key sectors. ठीक है, event focused on industries like automobile industry, infrastructure, railways, water, irrigation and housing. The conference was conference developed a roadmap to increase steel consumption intensity. ये important है in key industry sectors. ठीक है, India का 2030 तक का target है as per national steel policy to achieve 300 metric ton of production. ठीक है, तो ये event इसको ध्यान में रख के किया गया था. ठीक है, next issue. India slips to rank 112 in gender gap World Economic Forum report 2019. तो WEF ने recently release किया था gender gap index 2019 जिसके अंदर India ने slip किया है 112nd position पे. पिछले साल India था 108th position पे और constantly जब से ये index release हुआ है तब से India deteriorate ही कर रहा है because first time I guess it was released in 2006 और India की तब standing थी 98th और उसके बाद हर साल India is been launching backwards. ठीक है, और ये असेसमेंट के द्वारा कि इंडिया अभी जो कर रहा है जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए अगर उसी पेस से काम करता रहा तो बेसिकली इंडिया को लग जाएंगे टिल 2276 AD टू अचीव जेंडर इक्वालिटी. हमारे ऊपर कौन से देश है? बांग्लादेश विच वॉज रैंक 50, इंडोनेशिया विच वॉज रैंक 85, ब्राजील विच वॉज 92nd, नेपाल वॉज 101, श्रीलंका 102 एंड चाइना वॉज 106. ओके, so in 2018 India was at 108th position and performance went lower in the year 2019 according to the report. हमने देख लिया 112th position पे. काफी सारे अलग अलग पैरामीटर्स जिसको इंडिया जिसके ऊपर इंडिया को जज किया गया था. तो सबसे पहले देख लेते हैं हेल्थ के हेल्थ एंड सर्वाइवल पैरामीटर्स जिसमें इंडिया 115th रैंक पे था. इन 149th इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ मेल कंपेयर्ड टू फीमेल. ठीक है, 112th इन एजुकेशन अटेनमेंट. सिर्फ एक पैरामीटर पे हम इंप्रूव हुए और वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जिसमें वी स्टूड एट 18th प्लेस. ओके, पहली रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुई थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं. स्टिल टॉप के कंट्रीज देख लेते हैं. ठीक है, आइसलैंड वॉज रैंक द मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री, फॉलोड बाई आइसलैंड वॉज नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड आफ्टर दैट वॉज निकारगुआ, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्पेन, रवांडा, जर्मनी एंड द US also is slipping down and it is currently standing at 53rd position. ओके, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एलसी पेरी नेम्ड ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर. ठीक है, दिस आर सम स्टेट्स ऑफ हर एंड दिस इज कॉन्सिक्यूटिवली फॉर द सेकंड टाइम इन द पास्ट 3 years दैट शी हैज बीन सिलेक्टेड एज ICC प्लेयर ऑफ द ईयर. डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द थर्ड US प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री टू बी इम्पीच्ड. ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको इम्पीच्ड कर दिया है. लेकिन याद रखना इम्पीच का मतलब वो अभी तक ऑफिस में ही रहेंगे जब तक सेनेट उसको अप्रूव नहीं कर देता और उसके बाद इट विल बी द डिसीजन टू make him leave from his office. Let's see what happens. And two charges which were passed against him was abuse of power and obstruction of Congress. ठीक है, Reliance companies surpassed state owned IOC to top 2019's Fortune list 500. So 10 साल से the most valued Indian company was Indian Oil Corporation and this year Reliance Industries led by Mukesh Ambani has dislodged IOC from its crown.
2019 में रेवेन्यू स्टूड एट 5.81 लाख करोड़ विच वॉज अ 41% ग्रोथ कंपेयर टू आईओसी विच गेव द रेवेन्यू ऑफ 5.36 लाख करोड़ विद अ ग्रोथ ऑफ 26.6%. ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड मॉड्यूल. और आपको अगर ये पूरी जो पीपीटी है वो चाहिए तो प्लीज गो टू www.protalentdigital.com. वहां पर आपको पूरी वेबसाइट फ्री में एक्सेस कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 10 डेज. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ओके थैंक यू.